एक व्यूअर का क्वेश्चन है कि एट्रीब्यूटेबल टू क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम कब बोले एट्रीब्यूटेबल टू। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। एट्रीब्यूटेबल टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो के कारण या की वजह। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मौत का कारण स्मोकिंग था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द डेथ वॉज एट्रीब्यूटेबल टू स्मोकिंग, यानी मौत का कारण या मौत का वजह स्मोकिंग था। आपने देखा कि आपके सेंटेंस में आया के कारण या की वजह के लिए मैंने बोला एट्रीब्यूटेबल टू। यह मैं आपको बता दूं कि इस तरह के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप कोई हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद आप इजारम या वॉचवर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यानी आपका सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है तो आप लिखेंगे इजारम, और अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो आप वॉचवर्ब का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे एट्रीब्यूटेबल टू, फिर आप कोई नाउन या जेरंड का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर आपको कहना हो बीमारी की वजह खराब खुराक थी या बीमारी का कारण खराब खुराक थी, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द इलनेस वाज एट्रीब्यूटेबल टू अ पुअर डाइट, या बीमारी का कारण खराब डाइट थी या पुअर डाइट थी। अगर आपको कहना हो नाकामयाबी का कारण एक खराब योजना थी, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द फेल्यूर वॉज एट्रीब्यूटेबल टू अ पुअर प्लानिंग, यानी नाकामयाबी की वजह एक खराब प्लानिंग थी या एक कमजोर प्लानिंग थी। अगर आपको कहना हो एक्सीडेंट की वजह झपकी थी या एक्सीडेंट का कारण एक हल्की नींद थी, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द एक्सीडेंट वॉज एट्रीब्यूटेबल टू नैपिंग, यानी एक्सीडेंट की वजह झपकी थी या हल्की नींद थी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को शानदार तरीके से सीखा कि एट्रीब्यूटेबल टू का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपको कहना हो कि कारण या की वजह। अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।